और थोड़ी देर रुक जाती तो अच्छा था रमा भैया। नहीं नहीं बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए। शादी में भाई साहब और निखिल को भी जरूर लाइएगा। जी जरूर। थैंक यू मॉम, आपने मुझे आज यहाँ रुकने की परमिशन दी। गुड नाइट, मैं आपसे कल मिलती हूँ। गुड नाइट बेटा, अपना ख्याल रखना। गायत्री बहन जी लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, छोटा सा है पर है चांदी का, रख लीजिए। थैंक यू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मेरी बहन हम भी चलते हैं। अरे आप तो रुक जाइए ना, अक्षरा कह दो ना हमें। जी रुक जाते, लेकिन अंशु घर में है और अनन्या को भी नींद आ रही है, बच्चे परेशान होने लगे तो। बड़ी किस्मत वाली है आप राजश्री बहन, मैं तो कहती हूँ घर में बच्चे हो तो सब उन्हीं के हिसाब से चलता रहता है और अपने नाती पोते हो तो अलग ही खुशी मिलती है। आपको तो बहुत ही आनंद आता होगा ना। बस हमारी जिंदगी तो यूं ही कट रही है। अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? भगवान पे भरोसा रखिए, उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है। किसी को झोली में दे देता है, किसी को उंगली थमा देता है, उससे ना तो माँ की ममता कम होती है और ना ही बच्चे का प्यार। चलते हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। एक मिनट रुकिए। अरे ये क्या, रखिए ना हमें भी अच्छा लगेगा। राधे कृष्ण, मैं जरा और मेहमानों को देखती हूँ। जी कल सुबह हल्दी है और फिर शाम को तो ब्याह है ही, तो आपसे मिलना तो होगा। जी वो चीकू बेटा, चीकू कहाँ है? जाने से पहले एक बार मिल लूँ। वो माँ टुकू नन्नी दीदी और मोहित जी के साथ बाहर घूमने गया। काफी देर हो गई ना बहू, लल्ला उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा होगा? कर भी रहा होगा ना माँ, तो वो लोग संभाल लेंगे। हाँ माँ, जितना वो डुगू के साथ खुश रहते हैं ना, उससे कई ज्यादा डुगू उनके साथ खुश रहता है। ये लीजिए आ गए। आप पहले जितनी हल्की नहीं रही। अच्छा मेरा मोटा होना तो जायज है, लेकिन आप बिना किसी वजह बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं, एकदम रोली पोली टेडी बियर की तरह। अच्छा चलिए अभी छोड़िए, जाने दीजिए नंदी दीदी और रश्मि बेट। अक्षरा आपके पास हमेशा सबके लिए टाइम रहता है, मेरे लिए नहीं। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब जो भी काम है ना कल कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त मेरे लिए। नैतिक बस 5 मिनट के लिए, मैं अभी आती हूँ, अभी जाने दीजिए ना प्लीज, जाने दीजिए ना, छोड़िए ना बहुत। आप ही ने तो कहा छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिया। नैतिक। अरे जल्दी से आइए, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। बहू इसे संभाल के रखना अलमारी में, बाद में काम आएंगे। दीदी मैं किचन में देख कर आती हूँ। बहू तुमने ये बच्चा गोद लेने का सोचा है ना, उसे भूल जाओ। तुम अगर मां नहीं बन सकती, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि किसी और का बच्चा उठाकर तुम मोहित के गोद में डाल दो। तुमने मेरे मोहित को खुशी क्या दी है, बल्कि मेरे मोहित ने तुम पे एहसान किया है, तुम्हारे हर खामियों को नजरअंदाज किया है और तुमने उसके भोलेपन का फायदा उठाया।
पर इस बार नहीं, मैं तुम्हें बच्चा गोद लेने नहीं दूंगी। बहुत समझौता कर लिया मेरी मोहित ने। जी, ये कुछ तोहफे आप बहू के पास ही रखवा दीजिए ना। दीदी, दीदी प्लीज चुप हो जाइए, कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ तो करना ही होगा। अरे रुक्मिणी, हल्दी कब आएगी? तो आ गई। चलिए, दूल्हे के यहां से हल्दी भी आ गई। अरे लड़कियों, रौनक लगाओ। छोटे दुल्हन, तुझसे कुछ बात करनी थी। जी माँ, वो रुक्मिणी आंटी हल्दी के नेक के बारे में पूछ रही। अंदर कब भूल गई बहू? अभी ला, तू यही रुक। राजश्री बहन, लल्ला मुझे दे दीजिए। आप भी हमारे से डांस कीजिए। नहीं नहीं बहू, बाद में। तू जा ना, मैं अभी आई। अरे भाभी मां, थोड़ा। नहीं, मैं अभी आई।
यहाँ बैठते हैं दोनों। हाँ? परेशान हो गया मेरा लल्ला, इतना शोर है वहाँ बेटा, तो डर तो नहीं गया? हाँ? ले मेरा राजा बेटा, आजा यहाँ दादी पोता बात करेंगे। हाँ? आज बता आपको बारात आएगी हमारे घर में। हाँ? क्या हुआ? ना छोटी दुल्हन। भाभी माँ, अच्छा हुआ आप भी यहाँ आ गई। वहाँ इतना शोर है ना, इसलिए लल्ला को यहाँ ले आई। आप कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो बार बार काम में लग गई तो मैं ध्यान नहीं दे पाई। जी भाभी माँ, कहिए क्या कहना चाहती थी आप? छोटी दुल्हन, मैं कह रही थी अभी तो शादी का माहौल है तो सब ठीक ठाक है, पर शादी के बाद, उसके बाद हमारी नंदिनी का क्या होगा? तुमने तो देखा है ना रुक्मिणी बहन का बर्ताव, वो बच्चा लेने के बाद पर सुना ना उन्होंने क्या कहा। हाँ भाभी माँ, इस बात की चिंता तो मुझे भी हो रही है, लेकिन भाभी माँ अगर नंदिनी और मोहित जी बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हमारे घर के लिए नया है लेकिन आजकल लोग ऐसा करने लगे हैं। हाँ छोटी दुल्हन, पर इस बात पे भी सबकी सहमति होना बहुत जरूरी होता है। अब ऐसे में नंदिनी के पास और कोई रास्ता बचता भी नहीं है। भाभी माँ, मुझे तो सचमुच कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या मेरी नंदिनी जीवन भर बच्चे के लिए तरसते रहेगी? नहीं नहीं भाभी माँ, आप ऐसा मत कहिए। अगर नंदिनी की खुशी बच्चा गोद लेने में ही है तो हम है ना उसके साथ, हम बात कर लेंगे रुक्मिणी बहन से, मना लेंगे उन्हें। और कोई रास्ता भी तो नहीं है भाभी माँ। मेरी नजर में एक रास्ता है छोटी दुल्हन। सच? तो भाभी माँ कहिए ना, नंदिनी के जीवन में खुशी आ जाए इसके लिए तो हम हर कोशिश करेंगे। अगर किसी को कोई एतराज ना हो और तुम्हें भी ठीक लगे तो क्या हम भाभी माँ? वो समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रही हैं, थोड़ा जोर से कहिए ना। क्यों ना नंदिनी लल्ला को ही गोद ले। ठीक है ना छोटी दुल्हन, ऐसा हो सकता है ना? नंदिनी लल्ला, क्या हुआ छोटी दुल्हन, तुम बोलती क्यों नहीं? आप जानती हैं भाभी माँ आप क्या कह रही हैं? हाँ छोटी दुल्हन, बहुत सोच समझ कर मैंने ये बात कही है, तू जानती है। मैं नहीं जानती कुछ भी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं भाभी माँ? आप जानती हैं लल्ला मेरे लिए, इस घर के लिए, हम सबके लिए क्या है? लल्ला के बिना हम सब रहेंगे क्या? आप रह सकेंगी क्या? पर वो दूर थोड़ी ना जा रहे हैं छोटी दुल्हन। एक बेटी की खुशियों के लिए दूसरी बेटी के साथ अन्याय करना चाहती? आप एक माँ है, माँ होकर एक माँ से उसका बच्चा छीनना चाहती है? आपके मन में ऐसा विचार आया भी कैसे? मैं हैरान हूं कि आप ऐसा सोच सकती हैं। आप जो माँ, भाभी माँ, रुक्मिणी आंटी आप लोगों को बुला रही है। इन्हें क्या हो गया? लगता है दीदी की बात को लेकर फिर से परेशान हो गए। हे भगवान, दीदी की मदद कीजिए। अक्षरा, आना थोड़ी देर जरा। दादाजी ने सारा इंतजाम कितने अच्छे से किया है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छा प्रबंध किया है दादाजी ने।
क्या लेना है? बहू, लल्ला को संभालो, मुझे अंदर थोड़ा काम है। और बहू, इसे अपने पास ही रखना, अपनी गोद में। शादी का घर है ना, कितना शोर है यहाँ, बच्चा परेशान हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप गायत्री बहन। हाँ, और लल्ला नींद में है, कभी इसके हाथ कभी उसके हाथ, तो नींद भी तो खराब होती है बच्चे की। बहू, तुम लल्ला को किसी को मत देना। मैं आई। अक्षरा बेटा, कोयल के नहाने का सामान आ गया? जी, अभी लेकर आई। दादू, दादू। ओहो, क्या बात है अंशुमन महेश्वरी, ये सुबह सुबह इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? ओहो, ये क्या, हेयर स्टाइल भी एकदम चेंज है? वो बस नॉर्मली तो है। लग रहा है नॉर्मल। दादू, वो क्या है ना कि माँ, बड़ी माँ सब सुबह ही अक्षरा दीदी के घर चले गए, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? वो कैफे जाना है ना, मेरा मतलब दोस्तों के साथ कॉफी पीने। अच्छा। तो पैसे। ओके। ये ले। थैंक यू दादू। रुक रुक, ये ले यार। नहीं नहीं दादू, इसकी जरूरत नहीं है, इतने में हो जाएगा। अरे रख ले, जब दोस्तों के साथ या किसी दोस्त के साथ बाहर जाते हैं ना, तो पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए, इंप्रेशन खराब हो जाता, समझा? थैंक यू दादू, थैंक यू वेरी वेरी मच। अच्छा, जितने बचेंगे उतने वापस कर दूंगा। हा? अरे उसकी जरूरत नहीं है, तो एंजॉय कर। क्या बात कर रही हैं जीजी, क्या उन्हें नंदिनी की खुशी का जरा सा भी ख्याल नहीं है? यही बात मुझे छोटी दुल्हन ने पूछी कि क्या मुझे बहू की खुशी का, उसकी ममता का जरा भी ख्याल नहीं है? जी, मती मारी गई थी मेरी, जो मैंने ऐसी स्वार्थ भरी बात सोची, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे छोटी दुल्हन से माफी मांगनी चाहिए। आखिर आपको कमरे में आने का वक्त मिल ही गया। वक्त कहाँ मिला नैतिक, वो तो इसकी नैपी चेंज करनी थी, इसीलिए आई हूँ। ठीक है ठीक है, मैं कोयल की शादी के बाद ही अब आपसे बात करूँगा। हाँ ठीक है, फिलहाल आप एक अच्छा भाई और एक अच्छा दोस्त होने का फर्ज निभाइए। वो तो मैं अच्छे से निभा ही रहा हूँ, बारात के स्वागत से लेकर लड़की की विदाई तक सारी तैयारियां हो चुकी। क्या बात है, आप तो एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं। थैंक यू। अरे हाँ, डब्बा भी तो लाना था। अरे इसकी चाबी कहाँ है? अरे हाँ, वो मेरे पास है, लाई। अरे वाह, आपकी मेहंदी तो बहुत सुंदर लग रही है, रंग भी काफी गहरा है। क्यों नहीं आएगा, मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार जो करती हैं। अच्छा, हमें तो भाई कुछ और ही सुना था। क्या? कहते हैं मेहंदी का रंग उनके हाथों में बहुत गहरा आता है, जिनके पति उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेहंदी का रंग इसलिए गहरा आता है क्योंकि उसे अच्छे से भिगोया और पीसा जाता है। क्या हुआ? अक्षरा, ना चाहते हुए भी ना आपने मेरी तारीफ कर दी। कैसे? भैया, मेहंदी पिसवाने में मैंने ही तो आपकी मदद की थी, नहीं? नैतिक, आप ना सच्ची में बहुत खराब हो गए, आप चलिए जाइए यहाँ से। चलिए, काम करने दीजिए मुझे, जाइए। अरे
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।